हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ वेज वर्मिसली। इसे वर्मिसली उपमा ही बोलते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत हेल्दी भी होता है। नाश्ते के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेज वर्मिसली बनाना। वर्मिसली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं। इसमें मैंने यहाँ पर रोस्टेड वर्मिसली ली है। अगर आप चाहें तो अगर आप बगैर जो रोस्टेड होती है वो भी ले सकते हैं। और ये मैंने हरा धनिया लिया है, ढेर सारा हरा धनिया लिया है। और यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ के प्याज को चॉप कर लिया है। और यहाँ पे एक शिमला मिर्च को भी चॉप कर लिया है। ये है कच्ची मूंगफली। और यहाँ पे मैंने 3-4 हरी मिर्च को भी चॉप कर लिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल डाल लिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद मैं इसमें मूंगफली भून लूँगी। ये देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। उसके बाद मैंने इसमें सबसे पहले मूँगफली भून ली है। अगर आप चाहें तो आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं, किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ओनली मूँगफली इसमें ऐड करूँगी। मूँगफली हमारी भून गई हैं। मूँगफली को हमने पहले भून के निकाल लेना है। उसके बाद जो ऑयल है उसमें मैं डालूंगी ये राई। और राई डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्याज। अब प्याज को हल्का सा सौते कर लेना है, मतलब बिल्कुल भून के ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सौते करना है। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी कैप्सिकम। और कैप्सिकम के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने हरी मिर्च चॉप करके रखी है वो। और अब मैं तीनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लूँगी जिससे इनका जो ये कच्चापन है निकल जाए। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। मसाले में सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दूँगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करना है। अगर आप कम खाते तो कम, ज़्यादा खाते तो ज़्यादा, जैसा आपको पसंद है। और उसके बाद मसालों को हमने अच्छे से सब्जी के साथ मिक्स कर लेना है। और आप सब्जी में गाइस जो अगर आप चाहें तो कुछ भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने कैप्सिकम अनियन ऐड किया। अगर आप चाहें तो आप इसमें बीन्स भी ऐड कर सकते हैं, गाजर भी ऐड कर सकते हैं, मटर भी ऐड कर सकते हैं। जो सब्ज़ी आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं इसमें। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। मेरे पास अभी कैप्सिकम अनियन यही था तो मैंने यही ऐड कर रखा है अभी। और मसालों को अच्छे से भून लेना है। और यहाँ पर ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो मेरी रोस्टेड वर्मिसली है वो इसमें ऐड कर दूँगी। और रोस्टेड वर्मिसली के साथ ही मैंने इसमें धनिया भी ऐड कर दिया है। और अभी मैंने इसमें जो भुनी हुई मूँगफली थी वो भी इसमें ऐड कर दी है। और अब मूँगफली, धनिया और जो मेरी वर्मिसली है उनको सब्जियों के साथ, मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। पानी हमने इसमें नॉर्मल ऐड करना है, ऐसा नहीं है कि गरम ऐड करना है, बिल्कुल नॉर्मल जो है वही ऐड करना है। मैंने इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अभी इसमें पानी कम है तो इसमें 1 ग्लास पानी और ऐड कर दूँगी। गाइस हमने इसमें पानी उतना ऐड करना है कि हमारी जो वर्मिसली है ना वो पानी में अच्छे डूब जाए, इतना पानी इसमें हमने ऐड करना है। और 5 मिनट तक हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है मीडियम फ्लेम में। 5 मिनट बाद एक बार चेक कर लेंगे। देखिए हमारी वर्मिसली का जो पानी है वो सूख गया है। ये देखिए अभी मतलब थोड़ी सी और पकाने की इसको ज़रूरत है, अभी अच्छे से नहीं पकी है। एक बार इसको 5 मिनट बाद चला लेंगे हम। और एक बार हम इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन लगा के। और 5 मिनट बाद दोबारा से इसको चेक करेंगे। ये देखिए हमारी वर्मिसली बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन गई है, अच्छी सी। और कितनी खिली खिली बनी है, बिल्कुल चाउमीन की तरह। अब हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेना है और इसको अब मैं सर्व कर लूँगी। आप इसको सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए गाइस इसको सर्व कर लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी वेज वर्मिसली उपमा बनके बिल्कुल रेडी है। और कितना अच्छा बना है, बिल्कुल खिला खिला सा। अगर आप इसको सॉस के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल चाउमीन का ऐसा टेस्ट आएगा। तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।